जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ आतंकी हमला अंदर से झकझोर देने वाला है। उरी के बाद देश पर हुए इस बड़े कायराना हमले में सीआरपीएफ के 42 जवान शहीद हुए हैं। इसमें उत्तराखंड के भी दो जवान शामिल हैं, जिसमें एक जवान उत्तरकाशी और दूसरा उधम सिंह नगर के खटीमा का है। इस घटना के बाद से शहीदों के घर में मातम पसरा हुआ है। घटना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग पूरे देश में की जा रही है। इस आतंकी हमले में खटीमा के सीआरपीएफ जवान वीरेंद्र सिंह राणा भी शहीद हुए। राणा मोहम्मदपुर भुड़िया गांव के दीवान सिंह राणा के 3 बेटों में सबसे छोटे बेटे थे। सूचना मिलते ही जनप्रतिनिधियों और क्षेत्र वासियों का जमावड़ा शहीद के घर लग गया। बता दें, शहीद वीरेंद्र की उम्र 36 साल थी। उनका एक बेटा और एक बेटी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद के घर सांत्वना देने पहुंच रहे जनप्रतिनिधियों और गांव वासियों की केंद्र सरकार से मांग है कि सरकार इस बार हुए आतंकी हमले का बदला जरूर ले, और ऐसा बदला ले जिससे कोई ऐसी हरकत दोहरा ना सके। हमारे देश को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि लगातार बहुत घटनाएं हो गई है। पिछले 4 सालों में 18 बार ऐसे बड़े हमले हो गए हैं, और ये तो अभी तक का सबसे बड़ा हमला है। अगर ऐसे ही मौन रहेंगे तो नहीं चलने वाला। तो उग्रवाद को खत्म करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। शहीद के बड़े भाई सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त जयराम राणा का कहना है कि उन्हें और उनके परिवार को वीरेंद्र राणा की शहादत पर गर्व है, लेकिन जवानों की शहादत का बदला जरूर लें, तभी शहीदों की आत्मा को शांति मिलेगी। कश्मीर में आईडी ब्लास्ट में उसका शहीद हो गया, और इसका बदला सरकार को लेनी चाहिए। पाकिस्तान को बर्बाद करो। उत्तराखंड के वीर सपूत हमेशा से ही देश रक्षा में शहादत देते आए हैं। ये क्षण भी देवभूमि के लिए बेहद कठिन है। अपने 2 वीर सपूतों को खोने से हर राज्यवासी बेहद दुखी है। सभी की केंद्र सरकार से यही मांग है कि आतंकियों का सूपड़ा साफ कर दिया जाए। ईटीवी भारत के लिए खटीमा से धीरेंद्र गौड़ की रिपोर्ट।